नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयनका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए अपनी इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे पहले हम आपको अपनी दो वीडियो दे चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टू। आज हम पार्ट थ्री को पढ़ेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये जो पोर्शन है इस वाली वीडियो में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए इस पोर्शन को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो इसको देखिएगा, आपको रिलेशंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये आगे आपका इस चैप्टर का बिल्कुल बेस मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहला हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन पढ़ेंगे भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में मैं आपको अभी यहां ये डिफाइन करूंगा विद एग्जांपल, इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज एक लाइक तो बनता है जो हमें बूस्टर देता है, जो हमारे लिए बूस्टअप का काम करता है, और हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा बढ़ता रहे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अगर हमें कुछ सुधार करना है तो हमें सुधार करने के लिए भी बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आप जो हमारी कमियां बताएंगे वो हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ये ध्यान रखिएगा यहां पर क्या कहा जा रहा है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ऑन कहा जा रहा है। तो ऑन के लिए मैंने बताया था ना, ऑन ए का मतलब फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा और रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए को ही बिलोंग करेगा। ए टू ए मींस ऑन ए, क्लियर है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। कब? रिलेटेड टू इट्सेल्फ, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, इट मींस आपका ध्यान चला जाना चाहिए आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी रिलेशन को हमने क्या पढ़ा था, ए ए बिलोंग्स टू आर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर एक चीज हो गई, ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक चीज क्लियर हो गई, आइडेंटिटी रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सभी को क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, यानी ए इज रिलेटेड टू ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या रहना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी वो अपने आप से रिलेटेड रहेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। यदि किसी भी रिलेशन का ए ए में से कोई भी एक यदि नहीं बिलोंग कर रहा है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आप एग्जांपल के थ्रू इसको मैं एक बार समझा देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अपने पास सेट ए है एंड इट्स एलिमेंट्स आर 2, 4, 7, ओके। यानी सेट ए विच एलिमेंट्स आर 2, 4, 7, अब नाउ आर इक्वल्स टू, अब हमें रिलेशन ये दिया हुआ है, देखिए इस सेट एलिमेंट ए का फ्रॉम ए टू ए यानी ऑन ए पर हमें ये रिलेशन दिए हुए हैं। मैंने रिलेशन को अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए फ्रॉम ए टू ए या ए टू बी, ये हमने सब क्लियर किए थे फर्स्ट वाली वीडियो में। स्टार्टिंग से आप वीडियोज को देखना शुरू करेंगे तो सारी चीजें आपको चैनल वाइज क्लियर होती चली जाएंगी, यही इस चैप्टर की खासियत है। मैंने इसीलिए बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैंने डिफाइन किया है जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है, अब इसका एलिमेंट टू है तो ए ए यानी टू टू बनना चाहिए, एक रिलेशन टू टू है,
फोर का फोर फोर भी होना चाहिए और सेवन का सेवन सेवन, तो आप देखेंगे टू टू भी है, फोर फोर भी है, सेवन सेवन। अब आप कहेंगे सर इसमें टू फोर कहाँ से आठ, भैया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो होते हैं, ए टू ए। आप ए टू ए रिलेशन को हमने क्या बताया है, रिलेशन को हमने कहा था रिलेशन इज सबसेट ऑफ फ्रॉम ए टू बी या ए टू ए, अगर एक से अपने आप से रिलेशन बन रहे हैं तो उसके, यदि ए का अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है तो ये तो हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट है उसका अपने आप के साथ में रिलेशन वाला प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए, यदि इनमें से कोई एक भी नहीं है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इट विल नेवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ एनी रिलेशन ऑफ इटसेल्फ इन नॉट बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन ऑफ सेट ऑन ए, ओके तो तीनों है तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है हमारा कैसा है, रिलेशन है। यदि हमें कोई दूसरा रिलेशन दे दिया जाए और वो रिलेशन इस टाइप से दे दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई टू 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 फोर फोर टू सेवन सेवन, ठीक है। अब बताइए जरा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए इस सेट ए का एलिमेंट टू, तो टू का आपने आपके साथ रिलेशन टू टू दिया है, फोर फोर का फोर फोर नहीं दिया, सेवन का सेवन सेवन दिया है। हमने क्या कहा, यदि कोई भी एक एलिमेंट दिए हुए सेट का अपने आप से रिलेटेड वाले रिलेशन में नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव, मैं समझता हूं कि अब इसमें कुछ बचा नहीं आपके लिए रिफ्लेक्सिव में, यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है क्लियर हो गया। और प्रत्येक यूनिवर्सल रिलेशन, द यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा वाला, देखिए एक चीज समझ लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, द यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ए बी सच दैट ए और बी दोनों ही सेट ए को बिलोंग करें, यानी वो फ्रॉम ए टू ए होना चाहिए, यानी ऑन ए होना चाहिए, ऑन सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आज का दूसरा वाला टाइप पढ़ते हैं, सीमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको एक और समझ लीजिए। आर रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड सीमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी किसी भी रिलेशन और उसका इनवर्स रिलेशन, ठीक है, यानी ए बिलोंग्स टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, देन इट इज कॉल्ड सीमेट्रिक, यानी एक दूसरे की सीमेट्री बन जाए। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा था ना शीशे के सामने बैठ करके, आप शीशे के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो आपका चेहरा दिखाई देता है कि नहीं देता है। अब ए इधर से देख रहा है, ये शीशा है हमारा ये मान लीजिए, तो ए इधर खड़ा है तो इधर चेहरा दिखाई दे जाएगा और इधर खड़ा है तो इधर चेहरा दिखाई दे जाए उसका, यानी फेस बिल्कुल सीमेट्री बन जाए, क्या बन जाए सीमेट्री, तो इट इज द सीमेट्रिक रिलेशन, इट इज द सीमेट्रिक रिलेशन, यानी जैसे जुड़वा है ना, तो ये हमारा सीमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्लियर हो गया भाई सीमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये सीमेट्रिक रिलेशन कब नहीं होगा, यदि हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर बट इफ बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर देन इट इज नॉट सीमेट्रिक, नॉट सीमेट्रिक, तो फिर ये सीमेट्रिक
नहीं होगा, फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बट उसका जो इनवर्स है बी ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन को फॉलो कर रहा है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और रिलेशन क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी। जब बात ऑन ए की हो रही है तो वहां पर ए भी ए ही है, बी भी ए ही है। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए इसको। देखिए ये कोई सेट दिया हुआ है, 1, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ओके, एंड इट इज एनी रिलेशन आर सच दैट आर हमें, अब क्योंकि आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इसके 3/3, बट इसका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 5, 5, 1, ये हमें इसका रिलेशन दिया हुआ है। इस टाइप से हमको इसका रिलेशन गिवन में, तो आप देखेंगे मैंने क्या कहा था कि भाई ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू इंप्लाइज करेगा बी रिलेटेड टू ए को, यानी इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो फिर बी ए बी बिलोंग करना चाहिए उसी सेम रिलेशन को। अब आप देखिए इसमें कौन कौन ए भी दिए हुए हैं, 1, 4 दिया है, 1, 5 दिया है, तो 1, 4 का क्या बनेगा भाई, 4, 1 बनेगा बी ए, 1, 5 का बी ए क्या बनेगा, 5, 1 बनेगा, सो बोथ आर इसमें गिवन है, तो इस रिलेशन कैसा हो गया, सीमेट्रिक हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, सीमेट्रिक। अब देखिए सीमेट्रिक कब नहीं होगा उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब किसी चीज का नेगेटिव पता होता है ना तो ही फिर पॉजिटिव क्लियरिटी में आ जाती है। देखिए आर डैश ये कोई हमें सेकंड रिलेशन दिया हुआ है, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 5, 5, तो देखो 1, 1 तो अपने आप में था ही है भाई, ए ए ए ए कैसे भी लिख दीजिए, ये भी अपने आप में ए ए बन रहा है, ए बी बी ए, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सीमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गया, एवरी आइडेंटिटी सीमेट्रिक होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता ही है ना आइडेंटिटी, तो 5, 5 ये भी हमारा सीमेट्रिक है, 1, 4 का बी ए नहीं है यहाँ पर, 4, 4 का तो बी ए है, यही ए बी हो गया, ए बी हो गया, कैसे भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने का, बट 1, 4 का क्या होना चाहिए था, यहाँ 4, 1 होना चाहिए था तो ये सीमेट्रिक होता, अभी की सिचुएशन में ये सीमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया भैया, सीमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया, यानी 1, 4, 4, 1 है, 1, 5 के साथ 5, 1 भी है। अभी हम ले लेते देखो 1, 1 है, 4, 4 है, 5, 5 है, ये सारे सब इसके सीमेट्रिक हो जाएंगे, बट यहाँ पर देखिए 1, 4 का इनवर्स 4, 1 नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सीमेट्रिक, ये वाला रिलेशन सीमेट्रिक नहीं है, बट ऊपर वाला रिलेशन सीमेट्रिक है और ये वाला सीमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है सीमेट्रिक का। अब इसमें 2-3 चीजें हैं वो समझ लीजिएगा, एक तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सीमेट्रिक, और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज सीमेट्रिक, 2 चीजें हैं ये याद रख लीजिएगा। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सीमेट्रिक एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सीमेट्रिक। क्लियर हुआ, अब 1-2 चीज और समझ लीजिएगा, तीसरी चीज समझ लीजिएगा, द रिलेशन आर ऑन जेड, जेड फॉर इंटीजर हो गया, अब आप 12th क्लास में आ गए इसलिए बताने की जरूरत नहीं है भाई जेड क्या है, किसी भी इंटीजर के लिए डिफाइंड बाई, इस टाइप से रिलेशन को डिफाइंड किया जा रहा है, एक्स इज रिलेटेड टू बाई और कंडीशन दे रखी है वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बाई, एक्स रिलेटेड बाई से है बट एक्स लेस देन और इक्वल टू बाई है, तो ये सीमेट्रिक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसको समझ लीजिए, आप इसको एक बार समझ लीजिए, देखिए 7 R 9 ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसको डिफाइन कर रहा है एक्स रिलेटेड टू बाई, एक्स लेस देन बाई, ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो इस रिलेशन को शो करा रहा है। अब इसका उल्टा कर दीजिए आप, क्योंकि सीमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, 9 R 7 यानी बी आर ए होना चाहिए, अब कंडीशन सेकंड वाली इसमें क्या लगा रहा है कि एक्स छोटा होना चाहिए, अब बी यहां एक्स हो गया तो ये तो हो गया नॉट ट्रू, लेकिन ये तो ट्रू है, ये ट्रू है लेकिन ये वाली चीज ट्रू नहीं हो रही है अकॉर्डिंग दिस,
यानी इसका जो x बनेगा रिलेशन का वो छोटा होना चाहिए, तो 9 इज नॉट लेस देन 7, यहाँ तो ट्रू हो रहा है बट यहाँ पर ट्रू नहीं हो रहा है। असिमेट्री के लिए दोनों कंडीशन सो होनी चाहिए, दोनों कंडीशन को ट्रू करना चाहिए। सो द रिलेशन आर ऑन इंटीजर फॉर एनी इंटीजर डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू वाई, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई देन इट इज नॉट सीमेट्रिक। क्लियर हो गया? अब चलिए लास्ट रिलेशन इसका आज का ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर ऑन एन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कंडीशन समझ लीजिए, ए बी एंड बी सी, यानी इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट्स का रिलेटेड आर से है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड दोनों ही इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो फिर पहले वाले सबसेट का ए और दूसरे का सेकंड ये भी इस रिलेशन में होने चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यानी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए विल आल्सो रिलेटेड टू सी, अदरवाइज दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू में आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए, लेट एनी सेट ए व्हिच एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 6, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है इस सेट को लेकर के, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3। तो देखिए 1, 2, 2, 3, तो 1 और 3 भी इसमें दिया हुआ है, तो इट इज ट्रांजिटिव। बट अगर हमको यहां पर ये कोई डिफरेंट रिलेशन दे देता, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 6, तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। क्या इसलिए ट्रांजिटिव है क्या? अब देखिए, इसका तो कहीं कोई पेयर बनी नहीं रहा है, या देख लीजिए आप 1, 2, 2, 3 होना क्या चाहिए, 1, 6 होना, 1, 3 होना चाहिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 1, 6 का रिलेशन दिया हुआ है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? अब देखिए इसकी कंडीशन है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज ट्रांजिटिव बिकॉज, अब देखिए ए बी बी सी, अब आइडेंटिटी क्या होता है भाई, ए बी बी ए, यानी ए ए दोनों सेम हो गए। अब ए इज इक्वल टू बी क्या होगा तभी तो आइडेंटिटी होगा, और बी इज इक्वल टू सी क्या होगा तभी आइडेंटिटी होगा, सो ए विल ऑल्सो इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी प्रत्येक आइडेंटिटी ट्रांजिटिव होगा। एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, और जो यूनिवर्सल होगा वो भी ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक दो चीजें और समझ लीजिए फटाफट से। मैं यहां पर एक दो एग्जांपल्स आपको आज करा रहा हूं, तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, ये हमें कोई सेट ए गिवन में है, सेट ए इसके एलिमेंट दिए हुए 1, 2, 3, 4, ये मैंने यहां पर चार रिलेशन लिख लिए, R1 रिलेशन ये गिवन में है, R2 रिलेशन ये है, R3 ये है, और R4 ये गिवन में है। अब हमें इन चारों रिलेशन में बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन तीनों को फॉलो कर रहा है, या किन्हीं दो को फॉलो कर रहा है, या किसी एक को, यानी रिफ्लेक्सिव, सीमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए हम फर्स्ट रिलेशन के बारे में एक और पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1, 1 है कि नहीं, 2, 2 है कि नहीं, 3, 3, 4, 4 ये है, बाकी के और भी होंगे, क्योंकि भाई वो तो जब क्रॉस करेंगे तो 1, 2 भी आएगा, 2, 4 भी आएगा, बिकॉज आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट। ओके, क्लियर हो गया? तो इसके जो चारों एलिमेंट है आपस में रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। पहली चीज, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करेंगे सीमेट्रिक की। सीमेट्रिक में हमने क्या बताया कि 1, 2, 2, 1, यानी ए बी बी ए ये होना चाहिए, तो जितने भी आइडेंटिटी होते हैं वो तो सारे
हमारे रिफ्लेक्सिव होते ही होते सिमेट्रिक होते ही होते है ना, तो या तो इसको छोड़ दी, ये तो सारे सिमेट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके ये दो एलिमेंट बचे बन थ्री, यहां होना क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए थ्री बन होना चाहिए था, तो ये रिफ्लेक्सिव होता, तो ये सॉरी सिमेट्रिक होता, तो ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी ये नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव को तो फॉलो कर गया, अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, बन थ्री तो थ्री बन होना चाहिए था। जितने भी रिफ्लेक्सिव है या यूं कहें कि आइडेंटिटी है, मैंने कंडीशन लिखाई थी द आइडेंटिटी रिलेशंस आर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होते हैं नॉन एम्प्टी सेट के लिए, तो ये तो सारे टर्म तो फॉलो कर रहे हैं सिमेट्रिक को, लेकिन बाकी के दोनों टर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बन थ्री थ्री बन होना चाहिए था, तो नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए भैया, बन थ्री थ्री फोर, तो बन फोर और होना चाहिए था फिर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब यहां पर आ जाओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में ये नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। अब सीमेट्रिक देखो, टू फोर फोर टू दिया हुआ है, तो यस ये सीमेट्रिक है, सीमेट्रिक है। ट्रांजिटिव टू फोर फोर टू, आगे का सीमेट्रिक ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। आर थ्री पे आ जाओ, फोर थ्री टू फोर, अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सीमेट्रिक भी नहीं है, तो तीनों में से ये कोई भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सीमेट्रिक। ठीक है, अब इस पर आ जाओ, ए ए ए ए का मतलब हो गया यूनिवर्सल, ए ए का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल, तो प्रत्येक के लिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब एक दूसरा एग्जांपल, और ये लास्ट एग्जांपल रहेगा इस वाली वीडियो का, ये हमारी कोई दो लाइन्स हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप समझेंगे, इसको समझ करके फिर हम वीडियो को अपनी को क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हमें लाइन एल वन दी हुई है, ये लाइन हमें L3 दे रखी है, और ये एक तीसरी लाइन है L2, मैं यहाँ पर ये तीसरी लाइन ले लेता हूँ L2, और ये जो L2 है इस L1 पर भी परपेंडिकुलर है और L3 पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें, मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपके लिए ले लेता हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइन हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर का साइन है अपना। ठीक है ना, ये जो अपना साइन है ये परपेंडिकुलर, यानी L2 L1 पर भी परपेंडिकुलर है, L3 पर भी, और L1 L2 पर भी परपेंडिकुलर है, L3 पर भी परपेंडिकुलर है। तो मैं यह क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये शो कराना है कि दिस रिलेशन इज सीमेट्रिक एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सीमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी हमको प्रूफ कराना है कि दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है सीमेट्रिक तो है, सीमेट्रिक तो है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव है ना, ये नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए सीमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या है कि L2 L2 पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 L1 पर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, L3 L3 पर भी, तो वो तो है ही नहीं, क्लियर हो गया। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर L1, क्लियर, बट L2 L1 पर परपेंडिकुलर है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर L2, देन वी कैन से दैट L2 परपेंडिकुलर L1, इट मींस L1 इज रिलेटेड टू L2 एंड L2 इज रिलेटेड टू L1, सो दिस रिलेशन इज सीमेट्रिक। अब L3 क्या होना चाहिए, L1 परपेंडिकुलर है L2, तो क्या L2 परपेंडिकुलर L1 L3 पर भी L2 L1 पर परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर L1 और L2 परपेंडिकुलर L3, तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है क्या, L1 और L3 तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो फिर ये नॉट ट्रांजिटिव, नॉट
ट्रांजिटिव हो गया। मैं समझता हूं आपको तीनों रिलेशन एकदम क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।